दोस्तों, आपने इसराइल में होने वाली रीसेंट स्ट्राइक्स के बारे में यकीनन सुना होगा कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसकी रियलिटीज और इनसाइट्स को देखें तो बहुत से वजूहात में से एक प्राइमरी मोस्ट कॉज ये है कि हुकूमत जुडिशरी की पावर और अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रही है। लेकिन क्यों? इसको जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि इसराइल में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंडर आने वाली लॉ कोर्ट्स एज एन इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट यूनिट है जो किसी भी तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहकर ऑपरेट नहीं करता, और जुडिशरी को ये इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और अथॉरिटी कोई और नहीं बल्कि इसराइल का बेसिक लॉ देता है। और फिर ये भी, अगर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऐसा लॉ बने जो कंट्री के बेसिक लॉज के अगेंस्ट हो तो जुडिशरी के पास ये राइट है कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और आर्गुमेंट्स की बिना पे ऐसे तमाम कानून को मुस्तरद कर सकती है, मुल्क में नाफिज करने से रोक सकती है। तो अब की बार हुकूमत की तरफ से आने वाली अमेंडमेंट्स को जुडिशियल ओवरहॉल का नाम दिया गया है। तो वो अमेंडमेंट्स क्या थी, उन्हें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी कि पार्लियामेंट को ये राइट दिया जाए कि वो जुडिशरी के डिसीजंस को वीटो कर सके, यानी मुस्तरद और मंसूख कर सके या उस पे अमल दरामद होने से रोक सके। दूसरी अमेंडमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे दी जाए और जजेस की सिलेक्शन एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस बना दिया जाए। थर्ड अमेंडमेंट ये कि गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस की रिकमेंडेशन दरकार होगी। अगर किसी भी वजह से कोई एक जज अपनी रिकमेंडेशन देने में नाकाम हो जाता है तो बाकी 14 जजेस की कलेक्टिव रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। और फिर ये भी कि अगर 15 जजेस एक कंसेंसस के साथ अपना डिसीजन ले लेते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये राइट होगा कि उसे रिकंसिडर कर सके। दोस्तों, इसी वजह से इसराइल के फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट भी सामने आई कि अगर ऐसी अमेंडमेंट्स को पास कर दिया गया तो इस मुल्क की हुकूमत का निज़ाम एक जमहूरी आमदियत में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से इसराइल के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रिफॉर्म्स पॉइजन पिल्स हैं जिनके नाफिज किए जाने के बाद अवाम के पास अपने बुनियादी हकूक के तहफ्फुज का कोई जरिया बाकी नहीं रहेगा, जिससे इस मुल्क के नॉन एग्जिस्टेंट होने का खतरा भी लाहक हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि हुकूमत ऐसी अमेंडमेंट्स क्यों लेकर आना चाहती है। तो दोस्तों, इसकी वजूहात को जानने के लिए हमें 20-30 ईयर्स पास्ट में देखना पड़ता है। बट लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सिंपली ये कि गवर्नमेंट या इसके मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जुडिशरी की तरफ से रेज हुए हुए एलिगेशंस को डिफाई किया जा सके ताकि हुकूमत की साख को मजबूत बनाया जाए। दोस्तों, इन अमेंडमेंट्स के नतीजे में ये पहली बार हुआ है कि आम लोगों के साथ साथ आर्मी पर्सनल, पायलट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन ने भी स्ट्राइक में हिस्सा लिया और लोगों की तादाद 6 लाख से तजावज कर गई। ताहाल इन अमेंडमेंट्स की मंजूरी को टेम्परेरीली पोस्टपोन किया जा चुका है, मगर स्ट्राइक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। तो दोस्तों, ऐसी अमेंडमेंट्स के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ऐसी अमेंडमेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट में है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।